ये देखिए दोस्तों, आज मैं यहाँ पे काम के लिए आया हूँ। यहाँ काम कर रहा हूँ मैं, देखिए कितनी हाइट पे हूँ। देखिए नीचे रोड है और यहाँ पे हूँ। आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए, ये हमारा हमीरपुर है। ये देखिए, नीचे मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है। ये दोस्तों, मैं आपको प्यारा सा डॉगी दिखाता हूँ। छोटा सा डॉगी है, एज इसकी 3 साल है। वो दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। बस बस बस, दोस्तों ये देखिए कौन सा पेड़ है ये, और ये पेड़ कैसा होता है। देखिए इसके ऊपर कैसे वैसे फल लगे हुए हैं। कैक्टस का पेड़ बोलते हैं इसको, पौधा। देखो इसमें रस भी निकलता है। ये देखिए दोस्तों, और दिखाता हूँ आपको। ये हम गाड़ी में सामान लोड किया हमने। ये हमारे सर का जो रूम है, वहाँ से सामान शिफ्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा रूम है सर का, सरकारी जॉब करते हैं सर। तो यहाँ से हम इनका सामान शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे क्वार्टर में। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरे जंगली मुर्गे हैं जो मैंने निकाले हुए थे पिछली वीडियो में, आपको दिखाया था। अपनी मशीन से खुलवाए हुए हैं, अंडे हम जंगल से लाए थे। और देखिए कैसे आपस में लड़ रहे हैं। ये देखिए कैसे कुश्ती कर रहे हैं, इनके गले के जो पंख होते हैं कैसे फैला रहे हैं। ये देखिए लड़ते हैं आपस में बहुत ज़्यादा। और ये साथ में एक जंगली मुर्गी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको उनके बच्चे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अपना नंबर डाल दें, मैं आपको उनके बच्चे दे दूंगा। जैसे सील के बच्चे चाहिए आपको तो वो भी मिल जाएंगे, देसी के चाहिए वो भी मिल जाएंगे, अगर आपको कॉलर के चाहिए वो भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो वीडियो, और अब अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे जंगली मुर्गे। देसी भी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कैसे लड़ रहे हैं आपस में ये दोस्तों, पूरा दिन लड़ते रहते हैं ये। इनको खाना पीना मिलता रहता है, मस्ती मारते रहते हैं। पानी इनको रखा है, दाना इनको रखा है, सब चीज़ अच्छी है। तो ये ऐसे लड़ते रहते हैं पूरा दिन। देखो धूप अच्छी लगी हुई है, धूप भी सेक रहे हैं। हाँ जी, और ये अभी 5-6 महीने के हैं, ये 6 महीने के हो गए हैं ये। और जो मेरे पास देसी हैं वो 5 महीने के हुए हैं अभी। और देखो ये दोस्तों, ये भेड़ है। देखो इसकी टांगें, जितनी लंबी टांगें हैं उतनी लंबी इसकी पूंछ है। दोस्तों अगर ये आपको ये भी चाहिए तो कमेंट करना।